Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. So, आज हम डिस्कस करेंगे acute renal failure को. इससे पहले हमने chronic renal failure को डिस्कस किया है और वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है. उसके अंदर हर एक चीज़ को हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि अगर metabolic acidosis की जो कंडीशन है डेवलप हो रही है, सो उसके पीछे रीज़न क्या है, या फिर hyperkalemia अगर उसके अंदर हुआ है तो उसके पीछे क्या रीज़न है. सो इस तरीके से वहाँ पे हर एक रीज़न को डिटेल में डिस्कस किया है. सो यहाँ पर भी वही सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, तो उन्हें हम यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. पूरा डिटेल नॉलेज के लिए आपको वो वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट है. सो आप उस वीडियो को भी देखिए. एंड अक्यूट रीनल फेलियर में जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. सो जैसा कि नाम से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रीनल है उसका जो फंक्शन है, उनके अंदर सडन या फिर क्विक जो लॉस है वो देखने को मिलता है इस कंडीशन में हमें यहाँ पर. इसी की वजह से इसको अक्यूट रीनल फेलियर कहा जाता है, क्योंकि ये जो किडनी के फंक्शंस का लॉस है वो या तो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का हो सकता है. सो इसका जो एक लिमिटेड ड्यूरेशन है उसी के अंदर हम इसको काउंट करते हैं कि यहाँ पर ये जो किडनी फंक्शन फेल हो रहे हैं वो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक बनी रहती है तो फिर इसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए. तो जब तक ये कंडीशन नॉर्मल ड्यूरेशन के अंदर है तब तक तो ये रिवर्सिबल है, तब तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं. और अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर ये जो कंडीशन है वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकती है. सो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये चेक करना होता है कि अगर अक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहला जो इंडिकेटर है इस केस में वो यूरिन आउटपुट होता है. एक नॉर्मली हेल्दी अडल्ट जो यूरिन आउटपुट प्रोड्यूस करता है वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी से, सो वो जो मिनिमम आउटपुट होता है वो 400 ml पर डे के अकॉर्डिंग होता है. अगर अक्यूट रीनल फेलियर की ये कंडीशन है तो इसमें जो यूरिन आउटपुट होगा वो 100 से लेकर 400 ml के बीच में होगा. सो यहाँ पर ये जो कंडीशन कहलाती है वो ऑलिगूरिया कहलाती है. सो जब अगर हमें यहाँ पर यूरिन का आउटपुट या तो 400 ml मिल रहा है तो ये भी एक अबनॉर्मल कंडीशन है. और अगर इससे वो डे बाय डे और भी लो जाता है तो ये और भी सीरियस केस हो सकता है. सो यहाँ पे सबसे पहले हमें यूरिन आउटपुट को चेक करना होता है. उसके बाद जो फ्लूड का रिटेंशन है बॉडी के अंदर वो हम इजीली नोटिस कर पाएंगे. अगर यहाँ पर यूरिन आउटपुट ज़्यादा नहीं हो रहा तो ये फ्लूड जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन करना शुरू कर देता है. सो इस तरीके से भी हम इस केस को असेस कर सकते हैं. एंड जब यूरिन आउटपुट नहीं होगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका भी रिटेंशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन होता है इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करने का. सो यहाँ पर जब हम लैब वैल्यू को असेस करते हैं तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो कि किडनी से रिलेटेड होते हैं ये हमें यहाँ पर इंक्रीज मिलेंगे. एंड साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन की जो एक फंक्शन होता है किडनी का उनके अंदर भी इनएबिलिटी देखने को मिलेगी. मीन्स यहाँ पर एक इम्बैलेंस शो होगा इस तरीके की कंडीशन में. सो ये कुछ मेन इंडिकेटर हैं जिनको हम असेस करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो अक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन है. नाउ इसके कॉजेस की हम बात करते हैं कि जो अक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन है वो किस वजह से डेवलप होती है.
सो अक्यूट रीनल फेलियर की जो कंडीशन है उसके डेवलप होने के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। सो यहाँ पर तीन मेजर रीज़न है जिसको कि हम इस डायग्राम की हेल्प से इजीली समझ पाएंगे। अक्यूट रीनल फेलियर के जो रीज़न हैं उनमें सबसे पहला रीज़न होता है प्री रीनल कॉजेज, मीन्स ये वो कारण होते हैं जिनकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है किडनी तक पहुंचना है वो प्रॉपर वे में पहुंच नहीं पाता है, उसके अंदर इंटरफेरेंस पैदा होती है। सो यहाँ पर इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिप्लीशन की कंडीशन। बहुत से इसके रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम होता है उसके अंदर कमी हो सकती है। लाइक अगर डायरिया की कंडीशन है तो ये वॉल्यूम कम हो सकता है, या फिर वॉमिटिंग की कंडीशन, हैमरेज की कंडीशन, या फिर एक्सेसिव डायूरेटिक्स यूज़ किए जा रहे हैं उनकी वजह से भी सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम होता है, एंड बर्न के केसेस। सो यहाँ पर ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से जो हार्ट तक प्रॉपर वे में जो सप्लाई होना है या फिर जो एडिक्वेट सप्लाई होना है हार्ट को वो नहीं हो पाएगा, तो फर्दर जो हार्ट है वो पूरे जो बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन्स हैं उन तक जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट रीज़न यहाँ पर ये होता है प्री रीनल कॉज का कि यहाँ पर सर्कुलेटरी वॉल्यूम के अंदर कमी हो गई है। या फिर सेकंड जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है कि कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो चुका है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, लाइक पेरिकार्डियल टैम्पोनेट की कंडीशन है। ये वो कंडीशन है जब जो पेरिकार्डियल स्पेस है उसके अंदर फ्लूड का एकुमुलेशन हो गया है, सो उसकी वजह से अब हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, और जब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो अफेक्ट होगा एंड जो कार्डियक आउटपुट है उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा सो अगेन फिर ये बॉडी के जितने भी वाइटल्स ऑर्गन हैं उन तक प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा। सो ये एक रीज़न होता है यहाँ पर। या फिर अक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है जहाँ पर पल्मोनरी सेक्शन के अंदर कोई एम्बोलस फॉर्म हो गया है और उसकी वजह से जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होना है वो नहीं हो पाएगा। सो अगेन यहाँ पर जब हार्ट के पास ही ब्लड प्रॉपर वे में नहीं पहुँच रहा है तो फिर से वो बॉडी के जितने भी वाइटल्स ऑर्गन हैं उन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर फिर से किडनी के ऊपर हमें इफेक्ट देखने को मिलता है इस कंडीशन में। सो ये रीज़न होते हैं यहाँ पर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट के लिए। थर्ड जो कंडीशन बनती है यहाँ पर वो है डिक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। यहाँ पर लाइक अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है या फिर सेप्टिक शॉक की कंडीशन है या फिर एनाफाइलेक्सिस, ये तीन ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से जो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, मीन्स यहाँ पर जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी और यहाँ पर जो वीनस रिटर्न है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा हार्ट तक, तो अगेन फिर यहाँ पर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से जो आउटपुट है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और रीनल का जो परफ्यूज़न है उसके अंदर इंटरफेरेंस हमें यहाँ पर इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि जो पेरिफेरल एरियाज हैं उनके अंदर से जो ब्लड का फ्लो होना है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वैसोडाइलेशन क्रिएट हो गया है, या तो सेप्टिक शॉक की कंडीशन की वजह से या फिर एनाफाइलेक्सिस कंडीशन की वजह से या फिर कोई एनास्थीसिया हमने यूज़ किया है उसकी वजह से। सो ये प्री रीनल कॉज का थर्ड पॉइंट है। एंड फोर्थ रीज़न यहाँ पर ये होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है इन आर्टरीज़ के अंदर जो कि रीनल आर्टरीज़ हैं जिनके थ्रू किडनी को प्रॉपर ब्लड का सप्लाई होना है। अगर इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या फिर स्टिनोसिस की जो कंडीशन है वो हो गई है
सो उस कंडीशन में भी प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा किडनीज के अंदर. सो ये चार प्री रीनल कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो परफ्यूजन है उसके अंदर इंटरफेरेंस पैदा हो रही है. सो उसकी वजह से यहाँ पर किडनी के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो लो हो जाएगा एंड उसी की वजह से जो GFR है वो यहाँ पर हमें डिक्रीज होती दिखाई देगी. सो ये कुछ प्री रीनल कॉजेज हैं. एंड इंट्रा रीनल कॉजेज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो कॉज है वो रीनल से ही रिलेटेड है. मीन्स जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो इस एरिया के अंदर अराइज हो रही है, उसी की वजह से यहाँ पर ये जो अक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन है वो डेवलप हो रही है. इसके अंदर जो मेन हमको देखने को मिलता है वो है अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की कंडीशन. सो यहाँ पर जो किडनी है उसकी मेन फंक्शनिंग यूनिट होती है नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होगा. सो यहाँ पर इन ट्यूबुल्स की हम बात कर रहे हैं, ट्यूबुल्स के अंदर ही नेक्रोसिस हो जाती है. उसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, लाइक यहाँ पर ये अगर परफ्यूजन रीनल के अंदर सही नहीं हो पा रहा है सो उसकी वजह से भी इन ट्यूबुल्स के अंदर नेक्रोसिस हो सकता है. फर्स्ट ये रीज़न हो सकता है या फिर कुछ नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंस अगर यूज़ किए जाते हैं लाइक कुछ मेडिसिन्स होती हैं या फिर कुछ हैवी मेटल्स होते हैं उनकी वजह से भी ये जो ट्यूबुल्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और इनकी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनके अंदर डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है. सो उसकी वजह से भी अक्यूट रीनल फेलियर के जो केसेस हैं वो डेवलप हो सकते हैं. या फिर अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है कुछ हीम पिगमेंट्स की वजह से, लाइक मायोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन है, ये अगर रिलीज हो रहे हैं डैमेज मसल टिश्यू के थ्रू सो इनकी वजह से भी ये जो ट्यूबुल्स हैं इनके अंदर नेक्रोसिस की जो कंडीशन है वो हम देख सकते हैं. या फिर कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन है, उनकी वजह से भी ये जो ट्यूबुल्स हैं इनकी एपिथेलियल सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है. या फिर कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं लाइक हाइपोकैलेमिया है या फिर फॉस्फेटीमिया की कंडीशन है, उसके वजह से भी यहाँ पर ये जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस है वो डेवलप हो सकता है. सो ये कुछ रीज़न होते हैं यहाँ पर अक्यूट ट्यूबुलर जो नेक्रोसिस है इस कंडीशन को डेवलप होने के लिए. सो ये अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की जो कंडीशन है वो सबसे मोस्ट कॉमन इंट्रा रीनल कॉज होता है. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है सो आपको इसको नोट डाउन करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा भी कुछ और रीज़न हम देख सकते हैं जिनकी वजह से जो अक्यूट रीनल फेलियर के केसेस हैं वो डेवलप हो सकते हैं. यहाँ पर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन की वजह से भी ARF की कंडीशन डेवलप हो सकती है. या फिर कुछ माइक्रोवैस्कुलर या फिर लार्ज वैस्कुलर लीजन डेवलप हो गए हों इस एरिया के अंदर सो उनकी वजह से भी ARF डेवलप हो सकता है. या फिर थ्रोम्बोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन. सो ये कुछ रीज़न हैं इंट्रा रीनल, उन्हीं की वजह से अक्यूट रीनल फेलियर के जो केसेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं. पोस्ट रीनल कॉजेज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो एरिया हम देख पा रहे हैं जो कि यूरेटर्स एंड ब्लैडर का जो एरिया है इसको यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं पोस्ट रीनल कॉजेज के लिए. सो जो भी कॉज अराइज होगा वो इस एरिया के अंदर होगा. सो यहाँ पर हम प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी देख सकते हैं, मीन्स जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका यहाँ पर एनलार्जमेंट हो जाता है, उसकी वजह से ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वो कंप्रेस हो रही है. सो यूरिन का जो आउटपुट है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है और प्रेशर किडनी की तरफ बढ़ रहा है. सो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये अक्यूट रीनल फेलियर की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है. या फिर इस एरिया में कोई कैलकुलाई का फॉर्मेशन हो गया है या फिर कोई ट्यूमर हो गया है उसकी वजह से भी जो
यूरिन का फ्लो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा, या फिर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स और स्टेनोसिस की कंडीशन है, इनकी जो ल्यूमन है इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हो गए हैं या फिर ये नैरो हो गई हैं, स्टेनोज्ड हो गई हैं। अगेन यहाँ पर भी फिर से जो यूरिन का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है इसकी वजह से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात यह है कि किसी केस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर होती है सो उसकी वजह से भी जो लोअर बैक एरिया है हमारा वो अफेक्ट होता है। एंड यहाँ पर यूरिन आउटपुट के अंदर हमें इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो। सो फिर से जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पर किडनी के ऊपर इसका प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि यूरिन का जो आउटपुट है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा इस वजह से। सो ये जो कंडीशन है वो पॉस्ट रीनल कॉजेज कहलाते हैं, उसी की वजह से यहाँ पर जो अक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन है वो डेवलप होती है। अक्यूट रीनल फेलियर के जो साइन एंड सिम्टम हैं उनको हम फेजेस में नोटिस कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर ऑनसेट हमें देखने को मिलेगा, इसके अंदर यहाँ पर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका अकुमुलेशन होना शुरू होता है, और उस ड्यूरेशन से लेकर जो साइन एंड सिम्टम आना शुरू होते हैं उस ड्यूरेशन तक, ये जो पीरियड है इसको ऑनसेट कहा जाता है। इसके बाद जो फेज़ यहाँ पर हम नोटिस करेंगे वो है ओलिग्यूरिक फेज़। सो यहाँ पर ये जो फेज़ है, जैसे कि हम नाम से ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर ओलिगूरिया की जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलेगी। सो ये जो फेज़ है इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 8 to 15 days का रहता है, एंड यहाँ पर हमें नोटिस करना होता है कि जो यूरिन आउटपुट है वो कितना है। सो यहाँ पर जब भी हम इसको नोटिस करेंगे तो ये 400 ml पर डे तक हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड जब यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन हम देख रहे हैं कि यूरिन का जो आउटपुट है वो 400 ml तक है, तो इसके अंदर हमें जो साइन एंड सिम्टम्स हम नोटिस करेंगे कैंडिडेट के अंदर वो कुछ इस तरीके से होंगे कि फ्लूड का जो वॉल्यूम है वो एक्सेस में होगा, क्योंकि यूरिन आउटपुट हमें एक्सेस में मिल नहीं पा रहा है। सो जो फ्लूड है वो बॉडी के अंदर रिटेन करेगा, एंड साथ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, एंड यूरेमिया और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस एंड पेरिकार्डाइटिस। सो ये कुछ चेंजेस हमें ओलिग्यूरिक फेज के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पर ये जो कंडीशन है लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड यूरेमिया या फिर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, इनको डिटेल में हमने क्रॉनिक रीनल फेलियर में डिस्कस किया है गाइस। तो क्या रीज़न है इसके पीछे डेवलप होने के लिए, सो ये आपको पता होना चाहिए। सो उसके लिए आपको वो डिटेल वीडियो देखनी ज़रूर बनती है, क्योंकि हमने वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है उसको। यहाँ पर हम सिर्फ ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। सो यहाँ पर जो ओलिग्यूरिक फेज़ है इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके के साइन देखने को मिलेंगे, एंड अगर हम इस फेज़ के अंदर लैब वैल्यू को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर हमें जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, साथ में सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलेगा, एंड GFR है वो डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जो यूरिन है उसी के थ्रू बॉडी जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट करती है, लेकिन यहाँ पर यूरिन का जो आउटपुट है वो लो है, उसी की वजह से यहाँ पर ये जो लैब वैल्यूज हमें देखने को मिल रही हैं ये इंक्रीज्ड मिल रही हैं। सो उसके पीछे बेसिक रीज़न यही है कि यूरिन का जो आउटपुट है वो नहीं हो पा रहा है, एंड यहाँ पर हमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा और हाइपरवॉलीमिया देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड हाइपोकैल्शीमिया। एंड यहाँ पर हमको जो सोडियम का लेवल है वो या तो नॉर्मल हो सकता है या स्लाइटली डिक्रीज हो सकता है इस कंडीशन में, एंड यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी यहाँ पर डिक्रीज मिलेगी हमें। सो जब भी हम
ऑलिगुरिक फेज के अंदर इस तरह से लैब वैल्यूज़ को एनालाइज करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो वैल्यूज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। सो इस फेज को मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन करने होंगे, लाइक यहाँ पर हमें फ्लूड का जो इनटेक है उसे रेस्ट्रिक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर जो कंडीशन है वो हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम फ्लूड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और अगर हम फ्लूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेली जो अलाउंसेस होते हैं फ्लूड के लिए वो 400 ml से लेकर 1000 ml तक हम दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें साथ में जो यूरिन का आउटपुट है उसको भी मेज़र करना होगा ताकि जो हाइपरवॉलीमिया है या हाइपोवॉलीमिया की जो कंडीशन है वो यहाँ पर डेवलप ना हो। और साथ में यहाँ पर हम डायूरेटिक को यूज़ कर सकते हैं, इनमें फ्यूरेसेमाइड जो डायूरेटिक है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हाइपरवॉलीमिया हो रहा है उसको हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। सो इसको हमें बहुत ही कॉशियसली एडमिनिस्टर करना होगा, क्योंकि अगर हम डायूरेटिक यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हाइपोवॉलीमिया में भी कन्वर्ट हो सकता है गाइज। सो इसको बहुत ही सावधानी से हमें यहाँ पर एडमिनिस्टर करना होगा। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है डायूरेटिक फेज़। जैसा कि नाम से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो यूरिन का आउटपुट है वो मैक्सिमम होगा। इसकी जो क्वांटिटी है वो 4 to 5 liter पर डे तक हो सकती है डायूरेटिक फेज़ के अंदर। सो अगर यहाँ पर डायूरेसिस का जो कंडीशन है वो इतना हो रहा है तो पेशेंट के अंदर हमें कुछ साइन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो सकता है पेशेंट को, या फिर हाइपोवॉलीमिया हो सकता है, एंड हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है, क्योंकि बॉडी से एक्सेस में यूरिन का आउटपुट हो रहा है। सो यहाँ पर हमें ये जो कंडीशंस हैं इनको सावधानी से मॉनिटर करना होगा कि कहीं पेशेंट के अंदर इस तरीके की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है। एंड ये डायूरेटिक फेज है गाइस। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो थी ऑलिगुरिक फेज। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट थे वो डेवलप हो रहे थे, तो उनकी वजह से पेशेंट के अंदर एक अनकॉन्शियसनेस की जो कंडीशन होती है वो डेवलप हो जाती है। लेकिन डायूरेटिक जो फेज़ है उसके अंदर ये जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी और पेशेंट को जो कॉन्शियसनेस है वो फील होने लगेगी इस कंडीशन में, क्योंकि जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। एंड जब हम लैब वैल्यूज़ को एनालाइज करते हैं इस कंडीशन में तो जो BUN है एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो हमें डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे इस कंडीशन में, जो कि नॉर्मल जो रेशियो होता है, रेंज होती है, उस तक वो रिटर्न होना शुरू होते हैं इस कंडीशन में। एंड यहाँ पर हमें हाइपोकैलीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है और हाइपोनैट्रीमिया, क्योंकि जो यूरिन का आउटपुट है वो एक्सेस में है। सो यूरिन के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो भी एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमें इस तरीके की जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है डायूरेटिक फेज़ के अंदर। सो अगर हमें ये जो डायूरेटिक फेज़ है इसको मैनेज करना है तो यहाँ पे हमें जो फ्लूड है उसको रिप्लेस करना होगा, क्योंकि एक्सेस में फ्लूड का लॉस हो रहा है इस कंडीशन में, तो यहाँ पे हमको फ्लूड को रिप्लेस करना होगा। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी हमें रिप्लेस करने होंगे। सो इस तरीके से इस फेज़ को हम मैनेज करेंगे। एंड सबसे लास्ट में है रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ के लिए जो टाइम पीरियड है वो 1 to 2 years का टाइम पीरियड है। जो कंप्लीट रिकवरी होती है अक्यूट रीनल फेलियर के केसेस में, उसमें 1 to 2 years का जो टाइम पीरियड है वो लग जाता है। एंड इस फेज़ में जो यूरिन का वॉल्यूम है वो नॉर्मल होता हुआ दिखाई देगा हमको, एंड GFR जो कि डिक्रीज़ हो गई थी वो इस फेज़ के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, एंड BUN एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल रिटर्न होना शुरू हो जाएंगे नॉर्मल लेवल पे। सो इस तरीके से हम इस फेज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम इस कंडीशन को सही से ट्रीट नहीं कर पाते हैं या फिर कोई नेग्लिजेंसी हो जाती है, सो ये जो अक्यूट रीनल फेलियर के केसेस हैं वो
क्रॉनिक रीनल फेलियर के केसेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सो हमें यहाँ पर प्रॉपर केयर करनी होगी पेशेंट की इस तरीके से। एंड जहाँ तक मैनेजमेंट की बात आती है कि अक्यूट रीनल फेलियर के जो केसेस हैं उन्हें हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले मॉनिटर करना होगा वाइटल साइंस को, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है या नहीं ये हमें यहाँ पर चेक करना होगा, और साथ में टैकीकार्डिया या फिर टैकेपनिया और इरेगुलर हार्ट बीट, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके ऊपर यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो डिसरिथमिया की कंडीशन है वो भी हम यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे। सो ये जो वाइटल साइंस है इनको हमें इस केस के अंदर स्टडी करना होगा, और साथ में इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को भी हमें यहाँ पर मेंटेन करना होगा, ताकि हम मॉनिटर कर पाए कि जितना हम इनटेक पेशेंट को दे रहे हैं उतना ही आउटपुट रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा। सो ये जो इनटेक एंड आउटपुट का असेसमेंट या मॉनिटर हम करेंगे इसको आवरली हमको करना होगा, एंड डेली वेट को भी हमें यहाँ पर मॉनिटर करना होगा, क्योंकि अगर हाफ से लेकर 1 LB पर डे इंक्रीज होता है डेली वेट, तो इट मीन्स यहाँ पर बॉडी के अंदर जो फ्लूड है वो रिटेन कर रहा है। सो इस तरीके से डेली वेट को मॉनिटर करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्लूड की जो रिटेंशन की कंडीशन है वो यहाँ पर बनी हुई है या फिर फ्लूड ईजीली बॉडी से बाहर निकल पा रहा है। एंड यहाँ पे हमें जो BUN लेवल है या फिर सीरम क्रिएटिन एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट, इनके अंदर जो चेंजेस यहाँ पर होंगे वो हमें यहाँ पर मेजर करने होंगे, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो BUN लेवल है वो अफेक्ट होगा, एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल ये किडनी की जो फंक्शनिंग होती है उसके लिए मेजर क्राइटेरिया होता है इस लेवल को चेक करना। सो अगर यहाँ पर किडनी की फंक्शनिंग के अंदर चेंजेस हैं तो हमें यहाँ पर सीरम क्रिएटिनिन के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सो ये तीन मेजर इंडिकेटर हैं यहाँ पर जिनको हमें यहाँ पर मॉनिटर करना होगा। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है वो यहाँ पे डेवलप होती है, सो उसको यहाँ पर हम कुसुमल्स जो रेस्पिरेशन है उनके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ब्लड की पीएच को हम चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो ब्लड की पीएच है वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं। यहाँ पर जो भी सिचुएशन है हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो कंडीशन है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है या फिर नहीं। एंड यूरिन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे हमने कहा कि जो कंडीशन डेवलप होती है यूरिन से रिलेटेड उसमें हमें प्रोटीनूरिया की कंडीशन एंड प्रोटीनीमिया ये दोनों ही देखने को मिलती है। सो जब एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें हम मॉनिटर कर पाएंगे एनालाइज कर पाएंगे। एंड जब भी यहाँ पर यूरेमिया की जो कंडीशन है वो डेवलप होती है तो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। सो इस तरीके से भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी के अंदर बढ़ रहे हैं या नहीं। सो यहाँ पर इस तरीके से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो यूरेमिया की कंडीशन है वो प्रेजेंट है या नहीं। एंड यहाँ पे हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट को मॉनिटर करना है इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसके अंदर पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए। सो यहाँ पर हमें पेशेंट को बचाना है इन्फेक्शन से, और आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली हाइजीनिक होना चाहिए, असेप्टिक जो टेक्निक्स होती हैं उनको हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए ताकि जो इन्फेक्शन है वो उससे हम पेशेंट को बचा सकें। एंड जो लंग के साउंड है उसको भी हमें यहाँ पर मॉनिटर करना होगा, और जो एडिमा हो रहा है हाइपर वॉल्यूम की वजह से उसको हम यहाँ पे इजीली मॉनिटर कर पाएंगे, और जो डाइट है वो स्पेशल यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि लो प्रोटीन डाइट हमें देनी है पेशेंट को, और डाइट में रिच कार्बोहाइड्रेट होगा सो उसी को यहाँ पर हमें मैनेज करना है। पोटेशियम और सोडियम डाइट के अंदर लो होगा क्योंकि वॉल्यूम है वो यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड जैसा कि हमको पता है कि सोडियम एंड वाटर का एक रिलेशन होता है, सो जब भी अगर हम सोडियम को एक्सेस में देंगे यहाँ पर तो वो वाटर
को बॉडी के अंदर रिटेन करेगा एंड इसी को हमें अवॉइड करना है। सो इन दोनों रीजन की वजह से यहाँ पे हमें पोटेशियम एंड सोडियम इन दोनों को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन, इनके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स को इंक्लूड किया जाता है और कुछ एनसेड्स कैटेगरी की मेडिसिन हैं, जिसका जो इफेक्ट है वो किडनी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सो इस कंडीशन में अगर इस तरीके की मेडिसिन को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी बहुत ही सावधानीपूर्वक हमें मॉनिटर करना होगा कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं इस तरीके की जो मेडिसिन हैं उनके। एंड यहाँ पर जितने भी मेज़र हम यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा अगर पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, सो साथ में हमें यहाँ पर डायलिसिस और जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके लिए पेशेंट को हमें यहाँ पर रेडी करना होगा। सो कुछ इस तरीके से जो जनरल इंटरवेंशन है वो हम केसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ में लेंगे। एंड यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं लाइक हाइपरकैलेमिया है या फिर हाइपरवोलेमिया है एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया या फिर हाइपोकैल्शीमिया, ये सभी प्रॉब्लम्स का जो मैनेजमेंट है वो सेम उसी तरीके से होगा यहाँ पर जो कि हमने क्रॉनिक रीनल फेलियर के टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है। सो आपको इनको किस तरीके से मैनेज करना है इसके लिए आपको वो वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको ये समझ आए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकें। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। प्लीज़ वीडियो को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। Till then, take care, keep studying, and bye-bye.